बातें और आप हैं ज्योति के साथ। आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि मैं अच्छी हूँ और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने कुछ की है, घर के बाहर वाले जो वेंडर्स आते हैं, जो रेडी पे सामान लेके आते हैं, उनसे कुछ शॉपिंग। तो आप जानते हैं ना, गृहणियाँ, उनको अपने घर के लिए कुछ भी मिल जाता है, वो अच्छा हो, सस्ता हो, महंगा हो, कुछ पसंद आ गया तो बस फट से ग्रैब कर लेना है। तो ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ कि मुझे कुछ सामान अच्छा लगा है, सस्ता भी था और मुझे लगा कि ये यूज़ हो सकता है, बहुत यूज़फुल हो सकता है, इसलिए मैंने खरीद लिया। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। तो गाइस, मैंने आज शॉपिंग की है, जो बाहर सस्ती सस्ती और अच्छी अच्छी वाली, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने दो बास्केट ली हैं। अब आप ये बताओ ये कितने कितने की होंगी। ये बाहर खरीद तो महंगी पड़ती, ये 60, और इसका प्लास्टिक भी, ट्रस्ट मी, इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है चटक के टूटने वाला। तो ये 60 रुपीज की ये, और ये 60 रुपीज का, और ये तो हर घर में इसकी नीड होती होगी भाई। हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों की केयर करने के लिए उससे रिलेटेड चीज़ें भी हमारे घर में होती ही हैं, सुई धागा कैंची, ये सब तो सभी के घर में होता है। तो उसको एक प्रॉपर प्लेस में रखने के लिए एक चीज़ भी चाहिए होती है जिसमें हम उनको सहज के अच्छे से रख सकें और जब भी हमें ज़रूरत हो तो वो मुझे आसानी से मिल सके। तो मेरे पास पहले था जो कि टूट चुका है, वो चटक गया था ऊपर से, तो ये मैंने ख़रीदा है। इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें कई सारे थ्रेड्स लग सकते हैं, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये भी मुझे 60 रुपीज़ का मिला है, प्लस ये मग, ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला है। इसका भी प्लास्टिक बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है और बड़ा भी है। तो ये भी मुझे ये 20 का मिला है, बाकी ये 3 60 60 के। और ये बाहर की शॉपिंग है तो भैया गृहणियाँ जहाँ से सस्ता बटोर पाती हैं बटोर लेती हैं, और सस्ता और अच्छा होना चाहिए, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया। और ये एक टब, टब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी 60 रुपीज का है। आप पूछोगे ये टब के साथ ये भी मिला है? नो, ये है जंगली मशरूम। जंगली मशरूम इसे कहते हैं। हमारी तरफ हमने आपको छत से दिखाया था ना अपनी टेरेस से कि देखिए हमारे चारों तरफ थोड़ा सा जंगली है, थोड़ी दूर पे जाके जंगली एरिया है, जंगल है वहाँ पे। तो उसके अंदर ये मानसून सीजन में यानी बरसात के मौसम में ये होते हैं। तो हमारे आस पड़ोस के कई लोग जो MP से हैं और या मद्रास से हैं, तो इस टाइप के लोग जाते हैं जंगल में, उन्हें पता है ये कहाँ मिलता है और इनको कैसे निकालना है, ये ज़मीन के अंदर से निकाल के लाते हैं। तो जब मैं ये ख़रीद रही थी, एक्चुअली ये ख़रीद रही थी, तो एक भाई साहब ये लेके आए मेरे घर के बगल वाले, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी नहीं देखा, बड़ा सुना है। जब से मैं इस एरिया में शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं सुनती हूँ कि वो बरसात हो गई, चलो मशरूम लेने जाना है। मैं अपने पड़ोसियों से सुनती थी, मैंने कहा ऐसा उस जंगल में जाने के लिए बरसात में जाएं, इतने कीड़े मकोड़े होते हैं और इतने कांटे वांटे चुभो के ये लाते थे। तो मैंने कहा ऐसा क्या टेस्ट है इसमें जो आप लोग ये लेने जाते हैं? तो मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया और उन्होंने इतना मुझे दिया ट्राई करने के लिए और बहुत तारीफ की इसकी कि ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज मैं इसे ट्राई करूँगी। इसे कहते हैं जंगली मशरूम, जो आज मुझे इस शॉपिंग के साथ किसी ने गिफ्ट किया। तो ये बाहर ही था तो ये मैं बाहर ली, और प्लस मैंने की है थोड़ी सी वेजिटेबल्स की शॉपिंग। तो मैंने जैसे आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बासी खाना नॉट अलाउड इन दिस सीज़न, रेनी सीज़न, सो मैं आजकल थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले रही हूँ, और सब्ज़ी महंगी भी बहुत हो गई है क्योंकि बरसात की वजह से। इसका भी रीज़न बरसात ही है, बरसात में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से सब्जियां अच्छे से आ नहीं पा रही हैं, बहुत महंगी सब्जी है, और जो आ रही हैं वो फ्रिज में रुक नहीं रही हैं। धनिया बिल्कुल चल नहीं रही, टमाटर गले जा रहे हैं फ्रिज में, और बस एक आलू है जो कहीं भी डाल दो पड़ा रहता है, प्याज है। तो ये तो मेरे घर में था ऑलरेडी, तो मैंने सिर्फ आज के लिए सब्जी ली है, कल फिर मैं परचेज़ कर लूँगी। मेरे घर के बाहर आते हैं सब्जी वाले, तो स्टोर करने का क्या फ़ायदा, वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, इससे बेटर है कि मैं ताज़ी ख़रीदूँ और ताज़ा खाऊँ। तो ये मैंने कुंदरू लिए हैं, ये फूल गोभी एक ली है, और इसमें करेले हैं, और करेले के साथ ये धनिया मिर्ची फ्री है जो कि हर गृहिणी का अधिकार है। तो ये मैंने अपने अधिकार
का हनन नहीं होने दिया और ये मुझे मिल गया। ये मुझे धनिया और मिर्ची फ्री में मिली है और करेले और कुंदरू और ये कॉलीफ्लावर मैंने खरीदा है। तो ये रही आज की मेरी छोटी सी शॉपिंग, तो कैसा लगा आपको बताइएगा है। ओके, तो टाइम हो गया है लंच का और आज के लंच में मैंने बताया था मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, रोटी राइस एंड ये थोड़ा सा अचार है मूली का जो मैंने घर में ही बनाया था। ये मूली का अचार, मूली गाजर और अदरक मिक्स करके, और मना है मुझे लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे फीका खाना तो खाया नहीं जा सकता। और ये रही मेरी लारा जो अपना चिकन चावल रोटी खा सक चुकी हैं, और हम लोगों को तो आजकल चिकन विकन सब बैन है क्योंकि भैया सावन चल रहा है और सावन में नॉनवेज नॉट अलाउड, तो खाना खा लेते हैं। आप लोग भी खा लीजिए, फिर मिलते हैं खाने के बाद। हाय बाय। हो गया है टाइम 8, मैं सो गई थी, अब बारी है खाना बनाने की। खाने के लिए मैंने काटे हैं ये करेले, तो करेले बनाऊंगी, दिख रहे, और बनाऊंगी अरहर की दाल, चावल, आंखें खोल ले जरा, दाल चावल और रोटी बूंदी का रायता, तो बनाए खाना। सोने के बाद कैसा लगता है ना फेस, चलो यार खाना बना ले। सुबह हो चुकी है, सब जा चुके हैं और काम अभी नहीं हुआ है। अभी काम कैसे हो जाएगा, अभी तो ममता की मम्मी नहीं आई, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री थी तो मैंने कहा चलो ठीक है बातें बातें कर लेते थोड़ी आप लोगों से और गप्पे उप्पे लड़ा लेते हैं। तो मम्मी ने कहा कि चलो भाई अब क्या किया जाए, गप्पे लड़ाने का टाइम बताओ, मुझे बड़ा सारा दुख हो रहा है, पता है क्यों? अरे आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, बताओ ये कोई बात हुई, बताओ। कल मैंने मेहंदी लगाई अपने सर में, अपने और अपने पति देव दोनों के सर को देखो ना, मुझसे ग्लव्स पहन के ना लगती नहीं है सही, जैसे लगता है मेरे बाल छूट गए हैं और मुझसे सही से लग नहीं रहा, तो मैं ना पूरे इन्हीं हाथों का यूज़ करती हूँ और बस मौसम तो बस ऐसे ही चल रहा है, हल्का हल्का टिप 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 हुआ करता है। और मैंने लंच भी बना लिया है, मैंने लंच भी बना लिया है यार, पता है किचन का काम हो जाए अगर तो इतना रिलैक्स फील होता है कि आप समझ लो सारे काम हो गए। अब बाकी सब तो धीमे धीमे होते रहते, सारा दिन काम ही रहता है, लेकिन अगर आपका लंच वंच प्रिपेयर हो जाता तो ऐसा लगता है फ्री हो गया है कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बहुत काम है। अभी मुझे देखो अभी मुंडा मम्मी के साथ काम करवाना है, प्लस फिर बच्चों को लाना है, फिर उनको खाना खिलाना है, फिर उनको सुलाना है, आप लोगों से बात करनी और आप लोगों को टिप भी देनी है, टिप ऑफ द डे वो भी तो है, तो टिप भी देनी है। तो बस अभी कितने काम हैं,
काम ख़त्म नहीं है, बस लंच बन गया। उसमें मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। दाल मेरी कल की रखी हुई है, तो थोड़े से चावल अगर बच्चे कहेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो बस इनफ है इतना। और आप लोगों को दिखाए ना मैंने अच्छी और सस्ती वाली शॉपिंग, आप लोग भी करते हो ना, करते हो तो बताना ज़रूर, ठीक है, कि आप भी करते हो। आजकल ना मेरा मुझे धूप में बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो नेल्स मेरा टॉप सब मैच कर रहा है। अच्छा लगता है ना, समटाइम्स आपको अच्छा लगता है, कभी कभी कोई कलर बहुत अच्छे लगने लगते, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा है, मतलब उसको आप डाल देते हैं अपने अलमारी में या कबर्ड में और वो पड़ा रहता है और आप भूल भी जाते हो कभी कभी सामने, अरे अच्छा ये भी मेरे पास है, तो फिर तब ऐसे ही स्टॉक के साथ मेरे हुआ, मैं इसे भूल चुकी थी और आज मुझे ये दिख गया तो मैंने ये पहन लिया, ब्लू ब्लू ब्लू। तो वैसे भी मॉनसून में थोड़े से ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं, ब्राइट ब्राइट से, है ना। अच्छा मैं सुबह से गाना गुनगुना रही थी, लेकिन पता है मुझे मेरा तो डर लगता है कॉपीराइट से, कॉपीराइट से बड़ा डर लगता है, क्या करें, पता चला हम गाएं कोई क्लेम कर दे, लो भैया बैठे रहो उनको। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जो सुबह से गुनगुना रही हूँ गाना वो मैं आपको आज दो लाइन सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और पुराना है, पता नहीं मुझे पुराने सॉन्ग अच्छे बहुत अच्छे हैं, आज के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत बड़े पसंद हैं, अरिजीत के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन पुराने जो ओल्ड हैं ओल्ड सॉन्ग्स हैं वो तो ज़बान से हटते ही नहीं हैं, आप मतलब सोच नहीं सकते, वो मेरे ज़माने के भी नहीं है एक्चुअली, मैं पैदा भी नहीं हुई शायद तब के हुई, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली में यही सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो मैं सुनाती हूँ, हमने देखी है इन आँखों की महक भी खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो, हमने देखी है, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो, हमने देखी है। कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, सुन के निकल नहीं जाना, ओके। तो ये तो हो गया मेरा गाना, मैंने गा लिया, अब चाहे जो यूट्यूब वाले तो समझा करो भावनाओं को, अब कोई कुछ अगर मन करता गुनगुनाने का शेयर करने का तो उसे गुनगुनाने दो यार, क्या हो गया, क्या क्या पॉलिसीज बना रखी हैं आपने। तो कोई इतने बड़े सिंगर भी नहीं है कि हम किसी का गाना चुरा के कोई मूवी हिट करवा लेंगे अपनी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हम बहुत सिंपल सी मतलब एकदम छोटी मोटी वाली हाउसवाइफ हैं, तो हम लोगों को तो अपने घरों के अंदर गुनगुनाने का तो मिलना चाहिए ना मौका, मौका 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 मौका, हाँ तो मौका मिलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए वाला मौका नहीं, घर के हाउसवाइफ्स के लिए मौका है। तो
ये हो गया हमारा गाना और खाना भी बता दिया कि बना हमने क्या बनाया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब आती है बारी टिप ऑफ द डे की। तो आज का जो टिप ऑफ द डे है वो ये है कि मोस्टली घरों में हम सिंक यूज़ करते हैं और नालियाँ तो होती हैं, ड्रेनेज के लिए ड्रेन्स होती हैं, तो अधिकतर ये होता है कि हम किचन में बहुत सारा ऑयली या मतलब ऑयली फूड बनाते हैं और बर्तन बर्तन साफ करते हैं, तो जो सिंक से जाता है ना तो उसमें बड़ी सारी मात्रा ऑयल और चिकनाई की होती है, तो अधिकतर या कुछ चावल है जो छोटे छोटे से जूठन जाते हैं वो भी जाके फंस जाते, तो ब्लॉक बहुत होती है ना, ड्रेन ब्लॉक होती है, सिंक ब्लॉक्स होते हैं, तो इनको अनब्लॉक कैसे करें ये मैं बताती हूँ। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करना है सिंपल काम, और डेली जो आप कर सकते वो तो मैं आपको बता ही दूँगी। आप रोज़ कुछ ना कुछ बॉयल करते, एग बॉयल करते, पोटैटो बॉयल्स करते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बॉटल बॉयल करते हैं, तो आप कुछ भी बॉयल करते हैं या आप बॉयल राइस खाते हैं तो आप उनको क्या करें कि एकदम डायरेक्ट बॉयल किया हुआ पानी सिंक की पाइप में डाल दें, सिंक में डाल दें वो पाइप में चला जाएगा, जिससे गर्म खोलता तुरंत, ये नहीं कि आपने बॉयल किया पोटैटो और रख दिया जब वो ठंडे हो गए निकाले फिर वो डाले, नहीं, आपने पोटैटो बॉयल की फिर पोटैटो बॉयल हो गया पानी तो वेस्ट है, उसको तो फेंकने नहीं, तो उसको तुरंत एकदम खोलता हुआ पानी फेंक देंगे तो आपका जो है ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो क्लीन रहेगा, बॉटल का उबला हुआ पानी और जो आप चीज़ें किचन में उबालते हो तो वो सारी चीज़ें आप निकाल के और जो वेस्ट पानी है बॉयल उसको तुरंत का तुरंत अपने सिंक में डाल दिया करें, इससे आपकी ड्रेन्स हमेशा साफ क्लीन और बिल्कुल अनब्लॉक रहेंगी। दूसरा, अगर ब्लॉक हो जाती इन द केस तो आप क्या करें कि हफ्ते में एक बार किसी हार्डवेयर शॉप से सोडियम हाइड्रोक्साइड खरीद लें, और ये बहुत महंगा नहीं है, एकदम सस्ता सा है, और उसको एक टेबल स्पून भर के हफ्ते में एक बार अपनी ड्रेन में या सिंक ड्रेन में डाल दें और उसके कुछ देर बाद नॉर्मल पानी, ठंडा पानी जो पानी हो उसको डाल दें, तो इससे भी आपके सिंक और ड्रेन अनब्लॉक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी टिप है, इसको मतलब आप ज़रूर अपनाइएगा, और अगर ये काम करें तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सभी के घरों की प्रॉब्लम है। और सेकंड टिप जो मेरी है वो ये है कि आप अपने क्लीनर के लिए मोस्टली बहुत सारे ब्रांड क्लीनर खरीदते हैं, लेकिन मैं एक चीप और घर में रहता है, अगर आपका कोई ब्रांड वाला ख़त्म हो जाता है, जैसे हम लोग कॉलिंग वगैरह यूज़ करते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करें, वाइट विनेगर तो आपके घर में होता ही होगा, आप चाइनीज़ खाते होंगे, आप चाउमीन बनाते ही होंगे, ये सब चीज़ें, वाइट विनेगर जो होता है उसको स्प्रे बॉटल में डाल के आप जो है चीज़ें, टाइल्स हैं, किचन की टाइल्स हैं और अपने और भी सारे जो भी क्लीन कर सकते हैं, टेबल वेबल का ग्लास वगैरह वो सब साफ़ कर सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया साफ होता है और जो स्मेल आती है वो भी बहुत बढ़िया आती है। तो ये दो मेरे अपने अपनाए हुए टिप्स है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे आज के मेरे दो टिप्स, और आपके अगर यूज़ में आए और आपको इससे लगता है कि वाकई ये टिप यूज़फुल है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि मैंने कितनी चीप चीप सी शॉपिंग की, अगर वो आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो, मेरा गाया हुआ गाना अच्छा लगा हो और मेरा ये पूरा होल ब्लॉग अच्छा लगा, सॉरी क्या क्या मैं बोल रही, सॉरी, ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक यानी कि इस पे उंगली कर देना सब्सक्रिप्शन बटन पे, यानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे जिसके आगे सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर का होता है उस पे उंगली कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, मोटिवेट करने के लिए मुझे, इम्प्रूव करने के लिए मुझे आप ज़रूर 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 कमेंट करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ, और अगला ब्लॉग मेरा देखना ना भूलें, मैं शायद कुछ और अच्छी और यूज़फुल टिप आपको दूँ, कुछ और अच्छा हो मेरे
व्लॉग में कोई अच्छा मस्त सा सॉन्ग हो तो मेरे व्लॉग को कंटिन्यू देखें, और कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू।